50 साल पुराने प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया के सारे अकोस्टिक साइंटिस्ट को साथ नेटवर्क बनाते हैं, और इस कॉन्फ्रेंस हर साल हम ऑर्गेनाइज करते हैं, इसका नाम है नेशनल सिंपोजियम ऑन अकोस्टिक्स। इसमें जो अकोस्टिक्स का जो फील्ड है मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है, तो इस बार यहाँ संबलपुर में सारे फील्ड से हमारे लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इधर 19 इनवाइटेड टॉक्स है, 104 रिसर्च पेपर्स प्रेजेंट कर रहे हैं। तो अकोस्टिक्स जो है आज की दुनिया में एक बहुत सिग्निफिकेंट फील्ड है। आप सबको पता है कि अगर नॉइज़ ज़्यादा हो तो वो हमारे हियरिंग को अफेक्ट करेंगे, तो हमारे जो कंट्री है इधर जो नॉइज़ लेवल्स जनरेट होता है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए सारे जो साइंटिस्ट को एक साथ बैठ के इसकी सॉल्यूशंस को सोचना चाहिए। तो इस कॉन्फ्रेंस में उसके हिसाब से बहुत सारे पब्लिकेशंस प्रेजेंटेशंस हो रहे हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाएंगे। और एक दूसरी बात है कि हमारी कंट्री में जो है आर्किटेक्चरल एकोस्टिक्स, उसका बहुत सिग्निफिकेंस है। हमारे पुराने मंदिर हो या मस्जिद हो या चर्च हो, सब में आर्किटेक्चरल साइंस काफ़ी इन्वॉल्व है, तो उसको हमें सीखना चाहिए। और हमारे जो ट्रेडिशन है, सो हमारे जो कल्चर है वो म्यूज़िक के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे जो सारे रिलीजियस वर्शिप होते हैं उसमें म्यूज़िक होते हैं, उसकी इम्पैक्ट क्या है जो ह्यूमन बीइंग्स में, वो सब स्टडी करके उसका प्रेजेंटेशन इस कॉन्फ्रेंस में हो रहा है। एकॉस्टिक्स सोसाइटी तरफ रो कॉन्फ्रेंसटा होटा 50th कॉन्फ्रेंस, गोटे बड़ मानने ओल्ड कॉन्फ्रेंस जोटा कि बुर्लारे हो। ଏଇଟା ସବୁ ହୋଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରିର ରିସର୍ଚର୍ ପ୍ରାଇମ୍ ରିସର୍ଚର୍ସ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବି ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ବି ଏଥିରୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିପାରିବେ, ଆଉ ରିସର୍ଚ ଫ୍ରାଟର୍ନିଟି ଭିତରେ ନିଜର ନଲେଜ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିବେ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।